हॉकी कहने को तो ये हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्रिकेट की लोकप्रियता वाले इस देश में हमारा यह प्राचीन खेल लगातार अपनी चमक खोता जा रहा है। एक तरफ तो क्रिकेट के एक छोटे टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को लोग स्टार बना देते हैं, वहीं दूसरी ओर ओलंपिक में मेडल लाने के बावजूद खिलाड़ियों को वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिनके वाकई में वो हकदार है। यह तो इस देश की विडंबना है कि जिसकी धरती में जन्मे मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी के जादूगर ने अपने करिश्माई खेल से विश्व भर में इस महान भारत देश को एक अलग पहचान दिलाई, पर लोगों को आज उनकी कदर ही नहीं है। लेकिन इन सब से अलग एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसने अपनी जादुई खेल से भारतीयों को इस खेल की तरफ दोबारा ध्यान देने पर मजबूर किया। भारतीय हॉकी में उनका कद उतना ही ऊंचा माना जाता है जितना भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर साहब का है। मैं बात कर रहा हूं हॉकी के एक और जादूगर धनराज पिल्लई साहब की, जिन्होंने अपने शानदार खेल से न केवल देशवासियों को कई शानदार यादें दी बल्कि देश विदेश में भारत का परचम भी लहराया। 16 जुलाई 1968 को पुणे के निकट खड़की नामक जगह में जन्मे धनराज बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। उनके माता पिता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो बाद में रोजी रोटी की तलाश में खड़की चले आए थे। माता पिता ने पैसों के अभाव में जन्मे अपने चौथे पुत्र का नाम इस उम्मीद में धनराज रखा कि वो उनकी किस्मत बदल सके, और जैसा कि हम जानते हैं आगे चलकर हुआ भी यही। धनराज का बचपन खड़की स्थित एम्यूनिशन फैक्ट्री स्टाफ कॉलोनी में बीता, जहां उनके पिता नागालिंगम पिल्ले बतौर ग्राउंड्समैन काम किया करते थे और उनकी माँ अंदलम्बा पिल्ले घर का कामकाज देखा करती थी। बड़ा परिवार और सीमित आय के कारण धनराज का परिवार सुख सुविधाओं के अभाव में ही रहता था। खुद धनराज टूटी हुई हॉकी और फेंकी हुई गेंद से हॉकी खेला करते थे और ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें उनकी माँ से मिलती थी। तमाम तकलीफों के बीच भी उनकी माँ हमेशा अपने पांचों बेटों को हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। उन दिनों पुणे काफी तेजी से डेवलप कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद खड़की अभी भी पिछड़ा हुआ ही था। वहां की जनसंख्या तब करीब 30,000 के आसपास थी और वहां के अधिकतर लोग एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में काम करते थे। वहीं पर एम्यूनिशन फैक्ट्री का एक प्लेग्राउंड भी हुआ करता था, जहां से धनराज ने हॉकी खेलना शुरू किया। जब धनराज से पूछा गया कि आपका लगाव हॉकी की तरफ कैसे हुआ, तब उन्होंने बताया था कि जब मैं छोटा था तब भारत में हॉकी ही सबसे लोकप्रिय खेल था और अक्सर बच्चे यही खेल खेला करते थे। इस तरह मेरा रुझान भी हॉकी की तरफ हो गया और मैंने इस खेल में ही अपना करियर बनाने की ठान ली। हॉकी खेलने का इतना जुनून था कि पैसे की कमी के बावजूद हम टूटी हुई हॉकी को ही रस्सी से बांधकर खेला करते थे। धनराज ने अपनी स्कूलिंग द एसबीएस हाई स्कूल खड़की से पूरी की है। धनराज पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उन्हें पढ़ने से ज्यादा हॉकी खेलने में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने केवल 10वीं पास करने के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और खेल पर ध्यान देने लगे। धनराज अपने 5 भाइयों में से चौथे नंबर पर हैं, जिनमें से उनके एक बड़े भाई रमेश पिल्लई तो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद धनराज अपने बड़े भाई रमेश पिल्लई के पास मुंबई चले आए और उनके गाइडेंस में हॉकी खेलने लगे। रमेश पिल्लई उन दिनों मुंबई में एक हॉकी क्लब की तरफ से खेला करते थे। इसी दौरान उन्होंने धनराज को अपने क्लब में ही एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर एंट्री भी करा दी। समय के साथ साथ धनराज का खेल निखरता चला गया और वो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब में एंट्री पाने में कामयाब हो गए, जहां उन्हें भारत के तत्कालीन कोच जेम कार्वालो से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। उनकी कोचिंग में खेलते हुए धनराज ने अपने खेल को पहले से और बेहतर बनाया और महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए। साल 1987 में धनराज को डोमेस्टिक सर्किट में एक बड़ा ब्रेक मिला, जहां उन्हें दिल्ली में आयोजित संजय गांधी हॉकी टूर्नामेंट खेलने वाली टीम में शामिल किया गया। उस टूर्नामेंट में धनराज ने अपनी रफ्तार और शानदार खेल से सभी को हैरान करके रख दिया था और साथ ही बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। इस टूर्नामेंट में उनकी रफ्तार को देखने के बाद उनके साथी खिलाड़ियों ने उनका निकनेम तूफान रख दिया था। धनराज अब डोमेस्टिक सर्किट और जूनियर हॉकी में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे।
आगे चलकर धनराज इंडियन नेशनल हॉकी टीम में भी सिलेक्शन पाने में कामयाब हो गए। साल 1989 में धनराज को एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट खेलने वाली भारतीय हॉकी टीम में जगह दी गई, जहां उन्होंने चाइना के खिलाफ सेकेंड हाफ में बतौर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खेलते हुए इंटरनेशनल हॉकी में अपना कदम रखा। हालांकि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाने के बावजूद फाइनल में पाकिस्तान से हार गई थी, लेकिन इस टूर्नामेंट ने धनराज पिल्लई के रूप में भारत को एक ऐसा खिलाड़ी दे दिया था जो आने वाले समय में भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला था। समय गुजरता गया और धनराज अपने शानदार खेल की बदौलत भारतीय हॉकी टीम की जान बन गए और साल 1995 में पाकिस्तान के खिलाफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स के फाइनल मुकाबले में किए गए धनराज पिल्ले के प्रदर्शन को भला कौन हॉकी प्रेमी भूल सकता है। उन दिनों पाकिस्तान काफी मजबूत टीम थी, साथ ही वर्ल्ड चैंपियन भी, और इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही खेलते हुए फाइनल में पहुंची। वहीं दूसरी तरफ भारत भी धनराज पिल्ले की शानदार खेल की बदौलत बाकी टीमों को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी थी। अब मुकाबला दो आर्च राइवल्स के बीच में था। इस टूर्नामेंट में धनराज का खेल अलग ही लेवल पर था और ऐसा लग रहा था कि उनको रोक पाना अब असंभव है। इसीलिए इस फाइनल मुकाबले में भी लोगों को धनराज से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। बहरहाल मुकाबला शुरू हुआ और साथ ही दर्शकों की धड़कनें भी तेज हो गई। हालांकि मुकाबला टक्कर का ही था, पर धनराज के तूफानी खेल के सामने इस बार वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा गई। धनराज पिल्ले ने इस मैच में 3 गोल किए, जिसकी मदद से भारत ने पाकिस्तान को 5-2 से हराकर इस साल का टाइटल और गोल्ड मेडल दोनों अपने नाम कर लिया था। इस मैच के बाद तो धनराज रातों रात स्टार बन गए थे और उनका नाम घर घर में लिया जाने लगा था। आगे चलकर वो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी बने और अपनी कप्तानी में वो भारतीय हॉकी को और भी आगे लेकर गए। इस दौरान उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को साल 1998 में एशियन गेम्स और साल 2003 में एशिया कप का विनर भी बनाया। अक्सर कप्तानी के दबाव में खिलाड़ी का व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है, लेकिन धनराज इसके उलट थे। उन्होंने कप्तानी के साथ साथ अपने प्रदर्शन में भी निरंतरता बरकरार रखी। साल 1998 के एशियन गेम्स में वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी थे और साल 1994 में सिडनी में आयोजित वर्ल्ड कप के दौरान वो पहले और एकलौते भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें वर्ल्ड 11 में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसके अलावा साल 2002 में जर्मनी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुने गए थे। भारतीय हॉकी में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें कई अवार्ड देकर भी सम्मानित किया। साल 1995 में उन्हें अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साल 1999-2000 में वह राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किए गए। साल 2001 में भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी नवाजा गया। धनराज पिल्ले की जिंदगी में नंबर 4 का एक अजीब संयोग रहा है। उनके 4 भाई थे, उन्होंने 4 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, 4 वर्ल्ड कप, 4 चैंपियंस ट्रॉफी और 4 ही एशियन गेम्स भी खेले, और ये कारनामा करने वाले भी धनराज भारत के पहले और अभी तक के एकलौते हॉकी प्लेयर है। वैसे तो धनराज ऑन एंड ऑफ द फील्ड थोड़े अग्रेसिव तो थे ही, पर साल 2003 में उन्होंने जो किया था उसने सभी को हैरान करके रख दिया था। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी साल 2002 में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, जब पाकिस्तान के खिलाफ एक प्ले ऑफ मैच के कड़े मुकाबले में 4-3 से हारने के बाद जब धनराज निराश बैठे थे, तब एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने देश का झंडा लेकर उनके सामने लहराते हुए धनराज को चिढ़ाने लगा, जिससे धनराज को काफी गुस्सा आ गया था, पर वो कुछ बोले नहीं। लेकिन वह उस घटना को भुला भी नहीं पाए। इसीलिए जब साल 2003 के चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जब एक ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7-4 के अंतर से हराया, तब धनराज अपने आप को रोक नहीं सके और स्टैंड में बैठे एक दर्शक से भारतीय तिरंगा लेकर पाकिस्तानी टीम के डगआउट पर पहुंच गए और अपना तिरंगा वहां लहरा दिया। धनराज को अपने करियर के दौरान गंदी राजनीति का शिकार भी होना पड़ा था। इस वजह से उन्होंने कई बार हॉकी फेडरेशन के ऊपर अपना गुस्सा भी निकाला था। इसके अलावा हॉकी प्लेयर्स को अच्छी सुविधा और उचित मैच फीस नहीं दिए जाने के लिए भी धनराज इंडियन हॉकी मैनेजमेंट को लताड़ चुके थे। इसीलिए उनके फिट होने के बावजूद कई बार मैनेजमेंट ने उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साल 2004 के एथेंस ओलंपिक तक आते आते धनराज
अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे और देश के लिए गोल्ड लाने के सपने को पूरा करने के लिए उनके पास ये केवल आखिरी मौका था। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी भारतीय हॉकी टीम इस बार सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई और धनराज को एक बार फिर ओलंपिक में बिना गोल्ड लिए ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस ओलंपिक के बाद फिर कभी धनराज को नेशनल हॉकी टीम में मौका नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद धनराज ने हॉकी का साथ नहीं छोड़ा और क्लब हॉकी खेलते रहे। धनराज अपने करियर के दौरान कई बड़े क्लबों की तरफ से हॉकी खेल चुके हैं। इसमें कुछ विदेशी क्लब भी शामिल है, जिनमें लंदन का इंडियन जिमखाना, फ्रांस के एफसी लियोन, जर्मनी के एचटीसी स्टटगार्ट किकर्स और हांगकांग का खालसा स्पोर्ट्स क्लब प्रमुख है। इन क्लबों की तरफ से खेलते हुए भी धनराज अपने जादुई खेल से सभी को प्रभावित करने में कामयाब रहे थे। धनराज ने अपने करियर के दौरान भारत की तरफ से 339 इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा लिया और 170 गोल किए। इसी के साथ वह भारत की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बने और सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में भी वह केवल मेजर ध्यानचंद और बलबीर सिंह दोसांझ से पीछे हैं। हालांकि इतना शानदार करियर होने के बावजूद धनराज को इस बात का पछतावा भी है कि वह देश के लिए कभी ओलंपिक गोल्ड नहीं जीत पाए। हालांकि साल 2004 में हुए एथेंस ओलंपिक में उनके पास मौका था अपने इस सपने को पूरा कर दिखाने का, लेकिन इंडियन हॉकी फेडरेशन को इस बार धनराज पिल्ले की योग्यता और अनुभव के बजाय युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा था। इसीलिए वो धनराज को एथेंस ओलंपिक खेलने वाली टीम से बाहर करने का मन बना बैठे थे। इसके लिए उन्होंने धनराज के सामने कई चुनौतियां रखी। सबसे पहले तो उन्हें एफ्रो एशियन गेम्स से ड्रॉप किया गया, फिर इसके बाद उन्हें अनफिट कहकर अपनी फिटनेस साबित करने को कहा। इतना ही नहीं, उन्हें एथेंस ओलंपिक से अपना नाम विड्रॉ करने के लिए भी कहा गया था। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद भी धनराज ने न केवल अपनी फिटनेस साबित की बल्कि वो ओलंपिक खेलने वाली टीम के साथ एथेंस भी गए। लेकिन इस ओलंपिक में जहां धनराज एक चैंपियन प्लेयर की तरह खेले, वहीं उनके साथी खिलाड़ी उनका सही तरह से साथ नहीं निभा पाए। नतीजा इस बार भी भारत को बिना ओलंपिक गोल्ड के स्वदेश वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा कोरिया के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेल रहे धनराज को पूरे 70 मिनट कोच ने बेंच में बैठाया और आखिर में उन्हें एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर ग्राउंड पर उतरने दिया गया। वह खिलाड़ी जिसने देश की हॉकी को एक नई पहचान दी और जो एक शानदार विदाई का हकदार था, उसके साथ इस तरह का बर्ताव, वाकई में काफी शर्मिंदगी भरा पल था ये। साल 2007 में धनराज पिल्ले की एक ऑटोबायोग्राफी फॉरगिव मी अम्मा भी पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, संघर्ष और करियर से जुड़ी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। कहते हैं कि धनराज पिल्ले ने अपने माता के सामने यह कसम खाई थी कि वह जब तक देश के लिए गोल्ड नहीं जीत लेंगे तब तक वह शादी नहीं करेंगे। शायद यही वजह है कि धनराज पिल्ले ने अभी तक शादी नहीं की है। हॉकी में अपना परचम लहराने के बाद साल 2014 में धनराज ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हुए राजनीति में भी अपना कदम रखा। इसी साल वह बतौर कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के साथ भी जुड़े और तब से वह यंग हॉकी प्लेयर्स को हॉकी के गुर सिखाते हुए आ रहे हैं। कई लोग तो धनराज पिल्ले को मेजर ध्यानचंद का दूसरा रूप भी मानते हैं और उनके करिश्माई खेल को देखने के बाद ऐसा जायज भी लगता है। तो दोस्तों, ये तो थी भारत के सर्वकालीन महान हॉकी प्लेयर्स में से एक धनराज पिल्ले साहब की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।